देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राजन सालवी को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा की तरफ से युवा नेता और पहली बार विधायक चुने गए राहुल नार्वेकर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने और जन जन को भाजपा से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा समेत कई अभियान चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मॉनसूनी सीजन शुरू होने के बाद राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। शनिवार को दिनभर धूप निकली रही और उमस से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी राहत के संकेत नहीं है। रूसी मिसाइलों ने ओडिशा में आवासीय इमारत पर हमला कर 21 लोगों की जान लेने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के 129वें दिन माइकोलिव शहर को हिला दिया। इसके अलावा रूसी सेना ने लुहांस्क प्रांत में यूक्रेन के अंतिम गढ़ लिसिचांस्क शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे के लिए गोलाबारी तेज कर दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 27 ओवर में 5 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे, इस लिहाज से इंग्लैंड की टीम भारत से 332 रन पीछे है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने केरल में मीडिया से बात करते हुए उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को बच्चा कहा, लेकिन ऐसा नहीं था। 50 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। 2011 की जनगणना के लिहाज से देखें तो 108 करोड़ की वयस्क आबादी में से हर दूसरा भारतीय व्हाट्सएप पर है। इनमें से बहुत से लोग इसका आपराधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद आई मंदी ने सभी पर असर छोड़ा है। विश्व के सबसे अमीर एलन मस्क की दौलत करीब 62 अरब डॉलर कम हुई है, तो जेफ बेजोस की संपत्ति में लगभग 63 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई। अब श्रद्धालु घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा और हवन कर सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भक्तों की सहूलियत और बेहतर अनुभव देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते 6 महीने में 3 तेलंगाना यात्राओं में सीएम केसीआर एक बार भी उनकी अगवानी करने हवाई अड्डे नहीं पहुंचे, लेकिन केसीआर शनिवार को राष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत करने बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।